सो फ्रेंड क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड बोर्ड एग्जाम 2024 पीए चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चरों के रैखिक समीकरण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है वह संख्या होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल जा रहा है आपके पास कोई दो संख्या है। ठीक है, अगर उन दोनों संख्याओं को प्लस करते हैं यानी कि योग करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है, और उन्हीं दो संख्याओं को जब माइनस करते हैं यानी कि जब अंतर करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, तो हमसे पूछा जा रहा है वह संख्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं के बीच अंतर तभी निकाला जा सकता है जब एक संख्या क्या हो, बड़ी हो, और एक संख्या क्या हो, छोटी हो। ठीक है, तो दो संख्याओं की बात किया गया है और हमें वो दो संख्या पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है, माना पहली संख्या एक्स है तथा दूसरी संख्या वाई है, सच डेट इस तरीके से एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ये बड़े का सिंबल है। ठीक है, मैं इस तरीके से दो संख्याओं को मान लिया, मैंने मान लिया कि जो एक्स वाली संख्या होगी वो वाई वाली संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। आप ये भी मान सकते हैं वाई वाली संख्या बड़ी होगी किससे, एक्स वाली संख्या से। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि हिंदी में प्रश्नानुसार, देखिए क्वेश्चन बोला गया है इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 8 है। ठीक है, यानी कि जो पहला समीकरण बनेगा वो बनेगा आपका एक्स प्लस वाई बराबर 8, ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरे में क्या बोला गया है, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो अंतर कैसे पता चलेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या मैंने किसको माना है, एक्स को माना है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसको मैं मानता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, मैंने हिंदी में बता दिया। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 8, और दूसरा समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब दो समीकरण को जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तभी हम लोग का आंसर आएगा, इन दोनों समीकरण को हम लोग घटा भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्यों जोड़ेंगे तो वो भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाई प्लस में और यहाँ पर वाई किसमें, माइनस में। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो वाई की टर्म क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई। ठीक है, तो प्लस माइनस ये क्या होगा, वाई की टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक्स प्लस एक्स मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2x बराबर 8 में 2 जोड़ जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से अगर इस 10 को काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, x का मान पता चल गया, y का मान चाहिए ना आपको, तो समीकरण नंबर 1 से या फिर 2 से आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो x का मान आया है इसको उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखिए या फिर समीकरण नंबर 2 में रखिए। ठीक है, हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुट, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक्स का जो मान आया है इसको मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। ठीक है, तो पहले मैं समीकरण नंबर 1 को लिख लेता हूँ यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 8 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान पता है कितना है, 5 है, तो एक्स का जगह क्या पुट करेंगे, 5, और ये प्लस कितना है, वाई बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, हमें वाई का मान चाहिए तो ये प्लस का 5 है, बराबर किधर रद्द कर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। मतलब क्या है, वाई बराबर 8 माइनस 5, तो फाइनली वाई का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मैंने वाई किसको माना था, दूसरी संख्या को, और एक्स किसको माना था, पहली संख्या को। ठीक है, मतलब कि जो पहली संख्या है वो 5 है, जो दूसरी संख्या वो कितनी है, 3 है। मैंने एक चीज और माना था, क्या मैंने माना था, जो एक्स वाली संख्या होगी वो वाई वाली संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो ध्यान देखिए, एक्स वाली संख्या 5 है तो वाई वाली संख्या 3 है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे, अतः वह दो संख्या 5 कमा
3 है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।